वाले वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे, वो दोनों क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा था कि आपको सॉल्व करके इस वाले वीडियो में से सॉल्यूशन के लिए आना है। तो अब इस वाले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको इत्मीनान से सॉल्यूशन सीखना है। आगे बढ़ सकते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा था, इफ ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू बी अपॉन फोर इज इक्वल टू सी अपॉन सेवन देन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू आपसे पूछ रहे थे, ठीक है। तो मैंने इसके लिए आपको पहला वाला ही क्वेश्चन जो रेशियो का लिया था उसमें आपको मैंने सिखाया था कि अगर ऐसा इक्वल हो तो आप इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं। जैसे अगर इसको कांस्टेंट के इक्वल मानते तो इसके इससे क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी थ्री के, बी की वैल्यू आ जाएगी फोर के और सी की वैल्यू आ जाएगी सेवन के, ठीक है। अब कुछ नहीं करना था, ये ए बी और सी की वैल्यू जो मुझे उठा के आपको पुट करना था। तो जैसे अब इसे पुट करते हैं तो फिर कैसे दिखाई देता है, ये हो जाएगा थ्री के प्लस फोर के प्लस सेवन के अपॉन सेवन के, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 के अपॉन सेवन के, मतलब कि 1/2। तो इसका आंसर था 1/2, सॉरी 2 होगा, सॉरी ये 2/1 होगा, मतलब इसकी वैल्यू होगी 2, आंसर था 2, ठीक है। 14 के अपॉन सेवन के 2, कंफर्टेबल है बोलो इसमें, इतना जो कष्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग उसकी तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था, वो वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें दे रहा हूँ। इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू है 6:7:8, और आपको साथ में गिवन था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, आपसे पूछ रहा था देन फाइंड सी की वैल्यू। आगे बात समझे, अब जरा इत्मीनान से जरा इसे समझो, तो देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने इस वाले क्वेश्चन में ये a प्लस बी की वैल्यू 6 सोच कर यहाँ पर पुट कर दी होगी और 6 प्लस सी इज इक्वल टू 14 करके अगर सी वैल्यू 8 निकाल दी होगी तो ये आपने गलत कर दिया। पिंक कलर समझ में मैंने क्या कहा, अगर आपने ऐसा किया होगा जैसा कि पिंक कलर में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपने गलत कर दिया। आई बस समझ, अब सवाल ये है कि जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये गलत कैसे हो गया, क्वेश्चन ये है ना। अब जरा समझना इस चीज को, ये गलत इसलिए हो गया बच्चे कि कभी भी अगर ऐसा रेशियो गिवन होता है, कभी भी अगर ऐसा रेशियो गिवन होता है तो ये उसकी ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बनती है। मतलब ए प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 6 नहीं होगा, बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू 7 नहीं होगा, सी प्लस ए की एग्जैक्ट वैल्यू 8 नहीं होगा। तो फिर क्या होता है सर, मैं समझा रहा हूँ, इतना से समझ लो कि क्या होता है। जरा सुनना, जब भी ना रेशियो ब्रेक होते हैं, कभी भी ये रेशियो ब्रेक होंगे, जरा इतना से चले कंसेप्ट को सीख लीजिएगा, कभी भी रेशियो ब्रेक होते हैं तो हमेशा एक वेरिएबल के साथ ब्रेक होते हैं। मैंने क्या बताया, कभी भी अगर रेशियो ब्रेक होते हैं तो हमेशा एक वेरिएबल के साथ ब्रेक होते हैं। मैं मान लेता हूँ कि वो जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो अब ये टूटेगा 6x, 7x और 8x में। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे आप वेरिएबल के साथ अगर ब्रेक करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे आप वेरिएबल के साथ ब्रेक करते हैं, नाउ यू कैन राइट ए प्लस बी की वैल्यू 6x होगी, नाउ यू कैन राइट बी प्लस सी की वैल्यू 7x होगी, नाउ यू कैन राइट सी प्लस ए की वैल्यू 8x होगी। कंफर्टेबल है प्रोग्रेस में। अब आप क्या कीजिए, अब अपना काम करिए, ये तीन इक्वेशन है आपके पास, ये तीनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, एड ऑन करता हूँ, तीनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ। जैसे मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ए प्लस ए 2a बनेगा, बी प्लस बी 2b बनेगा और सी प्लस सी 2c बनेगा, ऐसा लिख दूं उसको मैं। और जैसे इसको ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 21x एक्सेप्टेड, 6, 7 और 8 को ऐड किया मैंने तो 21x आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब आई कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो मुझे गिवन थी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे गिवन है, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो कि मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा सेम टू सेम रहने दिया है, ठीक है।
तो जैसे ही कैलकुलेट करूंगा तो ये जाएगा 7 2 जा 7 3 जा, तो इसका मतलब x की वैल्यू आई कैन राइट, x की वैल्यू आई कैन राइट 4/3। समझ आया क्या? तो x की वैल्यू जैसे 4/3 आ गई, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकल सकती है। a प्लस बी की वैल्यू x डॉट 4/3, 4/3 ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 8। तो a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है भाई? 8 है। कंफर्टेबल है? बोलो। अब a प्लस बी की जो एग्जैक्ट वैल्यू जो मुझे 8 मिली है, मुझे ये गिवन था, मुझे ये गिवन था, पुट कर देता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, जिसमें मुझे a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 8 पता चल गई थी, ठीक है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 14, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 6, तो 6 इसका एकदम राइट। देखो कहीं कोई डाउट है तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में पक्का, जो भी डाउट है आस्क मी। आइडिया एक्सेप्टेड है? आगे चल सकते हैं पहले। रांशु साहब प्रश्नवाचक चिन्ह किस चीज के लिए भेजा है आपने? बहुत सारे कलर हो गए क्या सॉल्यूशन में? गुल गुल घूम गए। शु मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में है ना बच्चे, तो वो कटिंग हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल। वो प्लस में होता तो कटिंग नहीं हो सकता था, मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में तो कटिंग हो जाएगा। चलो एक बार तो कोशिश करो, फटाक से कोशिश करो, ज्यादा समय नहीं लगा। लास्ट 30 सेकंड्स। राकेश का आंसर कुछ आ रहा है? देखो मैं सॉल्व करता हूँ, सुनो मैंने क्या बताया था बेबी, जब भी रेशियो ब्रेक होते हैं तो आपको एक वेरिएबल डालना पड़ता है एक्स। तो जब ये ए रेशियो बी है, जिस 5:7 जैसे वो ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा 5x और हो जाएगा 7x। इससे क्या होगा, इससे ए की वैल्यू आप बोल सकते हो 5x, बी की वैल्यू आप बोल सकते हो 7x, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बी अपॉन सी मेरे को 4/9 गिवन था, बी अपॉन सी मेरे को 4/9 गिवन था, आगे पुट कर देता हूँ। मैंने b की जगह पे लिख दिया 7x upon c is equal to 4/9, तो c की वैल्यू जाएगी 63x upon 4। समझ आया कि सर? अब
इस वाली जगह पर ए बी सी तीनों के वैल्यू पुट करता हूँ, ये है ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू और ये है सी की वैल्यू, पुट करो भाई। तो ए की जगह पर मैंने डाला 5x, बी की जगह पर मैंने डाला 7x और सी की जगह मैंने डाला 63x/4। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये जो x x और जो x है तीनों कैंसिल हो जाएंगे, आगे बस समझ। और फिर उससे क्या दिखाई देगा, जैसे उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिखेगा 5:7:63/4, 4 का थ्रू आउट सब में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कैसा दिखाई देगा, 20 28 63, 4 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। ये राकेश सर बिल्कुल सही था, देखो कहीं कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। तो साहब क्या बोलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने जिस तरीके से आपको सॉल्व करके बताया, ये तरीका एकदम सही है इसको सॉल्व करने का, कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हम लोग एग्जाम में इतनी मेहनत करेंगे, ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, अगर वो वाला तरीका भी सीख लो। मुझे क्या गिवन था क्वेश्चन में, मुझे गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:9, ये मुझे गिवन है। और मुझसे वो क्या पूछ रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, जरा उसको सीख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, एक बार उसको सीख लीजिए, ठीक है, जरा समझना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर आपको कभी ये क्वेश्चन है तो इसको ना डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से एक बार सीख लीजिएगा। अगर आपको ना ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू करते हैं, ये इंटू आपको देगा ए की वैल्यू, ठीक है, तो 5 4 जा क्या आ जाएगा आपके पास 20। आपको जब बी की वैल्यू चाहिए तो बी की वैल्यू के लिए आप ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या देगा, बी की वैल्यू, 7 4 जा क्या हो जाता है 28, ठीक है। अब अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू के लिए हम इन तीनों का, इन दोनों का इंटू करते हैं, तो ये वाला इंटू आपको देगा सी की वैल्यू, ठीक है, 7 9 जा हो जाएगा 63। देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, आंसर जो आ गया 20 20 63 अगेन। तो जो पिंक कलर मैंने दिया था ये ट्रिक है, जिससे आप थोड़ा फास्ट हो सकते हैं एग्जाम में, और आपकी जो है ना आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपके स्पीड का टेस्ट होता है, तो आपको फास्ट तो होना ही पड़ेगा एनी हाउ, अगर आपको पेपर निकालना है तो, है ना, पेपर में घूमने जाना है तो अलग बात है, पेपर निकालना है तो उसके लिए यू नीड स्पीड। श्रुति जी ग्रीन कलर पसंद है क्या आपको, एक ही वैल्यू पूछेगा, कोई बात नहीं श्रुति जी, एक ही वैल्यू पूछेगा तो एक ही वैल्यू तो अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं ना अंशु, ये ना भाई एक ही वैल्यू, चलो एक बार कोशिश करो आप, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। आंसर मेरे को सारे बच्चों से चाहिए, फिर चाहे एक्स लगा कर लाओ, लेकिन लाओ जरूर, ठीक है।
आइए भाई आंसर लाइए कुछ। राकेश साहब का आंसर आ रहा है, बढ़िया। और कोई बच्चा कोई आंसर देना चाहता है? चलो सुनते हैं, एक्स लेकर ना आप इसे खुद सॉल्व करना। अच्छा खासा समय दिया मैंने आपको, मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक में से सीखे डायरेक्ट। एक्स लेकर आप इसे खुद सॉल्व करना, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन आपको करके दिया था, ठीक है? मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक सीख लीजिए। देखो जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फोकस करो जरा। आपको ना ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है, तो स्टाइल एकदम वैसा ही रहेगा जैसे आपको ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए ये फर्स्ट वाला कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? ए निकालने के लिए फर्स्ट वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ए के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 2 × 4 × 6 का, तो 6 × 4 = 24 और 24 2 हो जाएगा 48, तो ए की वैल्यू आ गई 48। कितने लिए बात समझ में आ गई ये? ठीक है तो दानिशो फोकस कर। अब जब आपने ना फर्स्ट वाला टर्म जब निकाला ना, तो उसके बाद ना लास्ट वाला टर्म निकाला जाता है, यही नियम है, ठीक है? तो उससे आपको आसान लगेगा। पहले वाले टर्म के बाद क्या निकालना है आपको? लास्ट वाला टर्म। तो मैंने बी के लिए खाली जगह छोड़ दी, मैंने सी के लिए भी खाली जगह छोड़ दी, और मैं अभी क्या निकालने वाला हूँ? डी निकालने वाला हूँ, ठीक है? बी और सी के लिए खाली जगह मैंने छोड़ दी है। कंफर्टेबल है आपको? अब जैसे आपको डी निकालना है, तो जैसे हम ए के लिए मतलब फर्स्ट वाले टर्म के लिए फर्स्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही डी के लिए जो कि लास्ट वाला टर्म है उसके लिए लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो डी आपको दिखेगा 3 × 5 × 7, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, तो इसकी वैल्यू हो गई 105। कलर कोडिंग समझते जाइए भाई, कलर कोडिंग समझे। मैं अलग कलर इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी नजरें आराम से उन नंबर पर घूमती रहे। समझ में आ गया यहाँ तक? कंफर्टेबल है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे सुनते हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको बी और सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है? अब ना उसमें थोड़ा सा रंग ज्यादा भर गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ। आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ ताकि साफ साफ आपको समझ में आए बस, ठीक है? तो आपके अच्छे से समझने के लिए बस यहाँ पे लिखा, ठीक है? अब आपको क्या चाहिए? बी चाहिए। अब आपने बी निकालने के लिए ना थोड़ा बी पर गौर फरमाइए कि बी है कहाँ पर। बी ये है और बी ये है, ठीक है? अगर मैं इसे कोई रेक्टेंगल सोचूं, अगर मैं कोई इसे रेक्टेंगल सोचूं, देखो ये जो मैं येलो कलर बना रहा हूँ ये एक रेक्टेंगल का आपको शेप दिखाई दे रहा होगा, एग्री करते हैं? तो अगर मैं इसे कोई रेक्टेंगल सोचूं, तो आपको ना ये डिसाइड करना है कि इस रेक्टेंगल के कॉर्नर में कौन सा बी आ रहा है, रेक्टेंगल के कोने में कौन सा बी आ रहा है। तो अगर आप कोने की बात करोगे तो ये वाला बी दिखेगा ना, तो क्योंकि ये कोने में आ रहा है इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया, ठीक है? अब इसके करस्पॉन्डिंग नंबर देखो कौन सा है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है भाई? 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग है मेरे पास 3, तो मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब इस 3 की लाइन में जो जो आता होगा उसे कैंसिल कर दो, 3 की लाइन में 2 आ रहा है, 5 और 7 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्या बच गया भाई आपके पास? आपके पास बच गया 4 और 6। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो अगर आपको बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए 3 × 4 × 6।
चौक 24, 24 दिया हो जाएगा 72, तो b की वैल्यू हो जाएगी 72। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक है। मान लिया कि आपको ना समझने में कष्ट आया, सर मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे साथ आज हुआ क्या, कोई बात नहीं, मैं सेम काम जो है फिर से c के लिए करके बताऊंगा। हाँ अच्छा साहब करके बताते हैं, एक बार इतना से सीख लीजिएगा, ठीक है। सेम काम अब मैं c के लिए करके बताऊंगा, ठीक है। तो मान लिया अगर किसी बच्चे को बी का केस समझ नहीं आया, हाँ बिल्कुल भारती जी, अगर मान लिया किसी बच्चे को बी का केस समझ नहीं आया, कोई भी रीजन हो सकता है, हम लोग बस समझना शुरू किए होते हैं और यहाँ पे मेरा खत्म भी हो चुका होता है, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से सीख लीजिए, ठीक है। फोकस थोड़ा सा बना के रखिएगा, बस फोकस मत लूज कीजिएगा, अब जरा समझिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको C निकालना है, जैसे B का था वैसे ही C का है, गॉट इट। अब जैसे आपको C निकालना है, तो C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि C कहाँ पर है, ये रहा C और ये रहा C, ठीक है। अब अगर मैं कोई रेक्टेंगल एज्यूम करूँ, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, तो आपको ये सोचना होता है कि इस रेक्टेंगल के कॉर्नर में कौन सा वाला सी आएगा, जो भी कॉर्नर में आएगा उसे पिक कर लो। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि कॉर्नर में ये वाला सी आएगा, मैंने इसे पिक कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग कौन जा रहा है, सिक्स, तो सिक्स को मैंने पिक कर लिया। अब सिक्स की लाइन में जो जो होगा सब कैंसल, ये और ये हो गया कैंसल, तो क्या बच गया भाई, मेरे पास ये थ्री और फाइव बच गया, तो अब इनका होगा मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं करूंगा 6 × 5 × 3, 5 × 6 = 30, 93, 90, तो ये हो गई C की वैल्यू विच इज 90। देखो मैंने चार अलग अलग कलर से चार अलग अलग वैल्यू आपको निकाल कर बताई है, आई डोंट थिंक कि कोई कष्ट होना चाहिए, इतमान से देख लीजिए, ठीक है, देख लो इतमान से। और अगर ये ना डिवाइड हो सके, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज से डिवाइड हो पा रहा है, तो उसे डिवाइड भी करना होता है, मतलब जितना सिंपलेस्ट फॉर्म आए उतना सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल कर देना होता है, ठीक है। श्रुति जी आपका यहाँ तक आ गया था, लेकिन अपने को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म देना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म देने के लिए आप अगर गौर करोगे तो ये ना थ्री से सब कुछ डिविजिबल है, तो जैसे आप इसको आगे सॉल्व करो तो कैसे दिखाई देगा, थ्री से कटेगा तो 16, ये जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 4 जा, ये हो जाएगा 3 × 30 जा, और ये हो जाएगा 3 × 3 जा, 1 हो जाएगा 35। ये इसका आंसर है।
ये वाला क्वेश्चन आपको अभी कोशिश करना है। भारती जी वॉइस नहीं जा रही है कहीं भी, वॉइस यही है, मैं जब बोलूंगा तो आपको बिल्कुल सुनाई देगा। अभी आपके क्वेश्चन बनाइए पहले। और किसी बच्चे कुछ आंसर आया है? राकेश को मुझे ऐसा लगता है आंसर चेक करने की जरूरत है, वो आंसर नहीं है। और ये बनने वाला क्वेश्चन है, अभी भी सिखाया था कैसे करना। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार सुनो। देखो सारे बच्चे लोग एक घड़ी स्क्रीन में फोकस करें, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये ना बिल्कुल उसी स्टाइल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ना इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करनी थी, वो चीज मैं अभी बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिएगा। देखो जैसे आपको ना कभी भी रेशियो में अगर फ्रैक्शन फॉर्म दिया, जैसे 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म है, 3/8 फ्रैक्शन फॉर्म है, तो पहले ना फ्रैक्शन को हटा देना चाहिए। तो आप ऐसा सोचो कि इसमें भी कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूं जिससे 2 और 8 दोनों कैंसिल हो जाए। तो अगर वैसे 8 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 4 जो हो जाएगा 8, और 8 से 8 कैंसिल हो जाए तो पहले जाएगी 4:3। ठीक है, अब फिर से सोचो मैं ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूं जिससे 3 और 9 दोनों कैंसिल हो जाए। तो मैं 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9 9 कैंसिल 5 आ जाएगा। सुधांशु स्क्रीन पर फोकस करो भाई, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूं सुधांशु जिसे 6 और 4 दोनों कट जाने चाहिए। तो अगर मैंने 12 का मल्टीप्लाई किया तो 6 और 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जाएगा 6 2 जा 5 2 जा 10, 4 3 3 3 जा 9, ऐसा होगा। नहीं आइडिया मिल गया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म से कन्वर्ट होकर इंटीजर फॉर्म में आ चुका है। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते थे जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। देखो ये कैसे डील होगा, एक बार मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, जरा इतना से सीखो। ए इज अ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12 12 10 जा 120। ठीक है, फिर उसका डी की वैल्यू, अगर आपको डी की वैल्यू चाहिए ये रही डी के लिए, तो उसके लिए लास्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 15 15 9 जा 135, ये समझ में आ गया। आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, ये करस्पॉन्डिंग बनेगा उसकी, ये वाला करस्पॉन्डिंग बनेगा इसकी लाइन के सारे कैंसल, तो ये वाला और ये वाला बी के लिए मल्टीप्लाई होगा एक्सेप्टेड। जैसे मैं बी के लिए मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 9 9 10 जा जाएगा 90, पता चला, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सी की वैल्यू निकाल, तो सी की वैल्यू के लिए ये वाला सेलेक्ट होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ग्रीन कलर जो है पूरा सी को बताने वाला है। ठीक है, ग्रीन कलर शोज सी, कंफर्टेबल। तो 5 3 15 15 10 जा जाएगा 150, आइडिया एक्सेप्टेड। ये मिल गई आपको वैल्यू। अब आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ना 15 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, तो 15 8 जा 15 6 जा 15 10 जा और 15 9 जा, ये इसका आंसर है राकेश साहब। देख लीजिए, किसी बच्चे को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में तो मेरे से पूछ लो एक बार।
मैं डाकू ने राकेश तुमको सुधर जाओगे तो। हाँ भारतीय डायरेक्ट करने से पूरा हौच-पौच हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। फटाफट पेन चलाया करो तो मजा है ना, बैठ के स्क्रीन देखते रहोगे तो कहां से मैं सॉल्व करूंगा। सुधांशु इसको सॉल्व करो, मैं उसको फिर से बताता हूँ। सुनते हैं देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो आपको सॉल्व करना था, आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, और सॉल्व करना सिखा रहे हैं, देख लो जरा। आप इसको ना ऐसे लिख सकते थे, ये और ये सेट आपस में इक्वल हो सकते थे, तो कैसा दिखाई देता? 2a इज इक्वल टू 3b, 3b इज इक्वल टू 4c, 4c इज इक्वल टू 5d, ये ऐसे लिखा जा सकता था यहाँ से, ठीक है? तो जैसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो कैसा दिखाई देता? 2a a अपॉन b इज इक्वल टू, सुधांशु स्क्रीन पे फोकस करो, तो इसका मतलब a रेशियो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3:2, एक्सेप्टेड, ठीक है? तो b रेशियो c, थोड़ा सा इस चीज को वैसे ही कंटिन्यू करके सॉल्व करूँ ऊपर वाले की तरह, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4:3। वैसे ही कंटिन्यू करके सॉल्व करूँ तो c रेशियो d को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5:4। समझ में आया कि ये वाली चीज से ये वाली चीज कैसे जनरेट हो गई? आइडिया मिल गया। अब आपको उसने क्या पूछा क्वेश्चन में? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू पूछी है। कैसे निकालेंगे? ए के लिए फर्स्ट वाला कॉलम 3 4 12, 12 5 जा हो जाएगा 60। डी के लिए सुधांशु स्क्रीन पर फोकस कीजिए, डी के लिए लास्ट वाला 4 12 12 2 24, ठीक है? बी के लिए ये करस्पॉन्डिंग मिलेगा, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो पिंक कलर बी का मल्टीप्लीकेशन है, 4 2 8 5 40। सी के लिए ये वाला करस्पॉन्डिंग मिलेगा, और ये जो ग्रीन कलर है ये सी का मल्टीप्लीकेशन है। कैसे होता है? पिछले क्वेश्चन बताया था, 5 3 15 2 जा 30। आई बस समझ में? तो आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो इसमें से कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से? 2 कॉमन निकल जाएगा, 30 20 15 12, इसका राइट आंसर है। कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। अभी आपको रिज्वाइन करना है, सेशन 1 मिनट में क्लोज होगा, और मैं इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। तो अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो आपको दूसरा वाला वीडियो फिर वॉच करना है। ये कॉमन ही तो अप्रोच है अमन, वही अप्रोच तो आपको तीसरी बार बताया मैंने। मैंने कहा कुछ नया बताया, एक आध स्टेप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो अप्लाई कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, बाकी तो पूरा ही कॉमन है। ट्रिक के लिए ज्वाइन कीजिए, नया वाला वीडियो फिर देखिए।